कहते हैं ना जो चारा काटने वाली दात्री कहते हैं, आई थिंक सो, उसकी एक तरफ मुंह होता है ना, जो आदमी इंसान लोग मुआशरा उनके दोनों तरफ मुंह है, वो एक से किसी के लिए बात करते हैं, एक से किसी के लिए बात करते हैं, जिसके पास बैठते हैं उसके हो जाते हैं बातें सुनने के लिए। मैं नहीं समझती हाल। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इतने खूबसूरत मौसम के साथ हम आज अपना ब्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। रात भी तूफ़ानी बारिश होती रही है और अब भी बारिश कुछ कम नहीं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और बच्चे मेरे स्कूल है गए हुए और मैं पहले ना चाय अपनी पी रही थी तो बाहर एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई और मैं बाहर देखने के लिए, ये प्यारा सा व्यू आ गई, मैं कहा देखते हैं साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं और यहीं से आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। एक्शन चैनल है और ना ही मैं किसी पे बात करने यहाँ पे आई हूँ, लेकिन खुदा रहा जहाँ मामला अपनी बच्चियों का, बच्चों का, उनके आगे आने वाली ज़िंदगी का, उनके रिश्तों का हो और अपने पे बीत रही हो। और आप अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इतने खूबसूरत मौसम के साथ हम आज अपना ब्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। रात भी तूफ़ानी बारिश होती रही है और अब भी बारिश कुछ कम नहीं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और बच्चे मेरे स्कूल है गए हुए और मैं पहले ना चाय अपनी पी रही थी तो बाहर एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई और मैं बाहर देखने के लिए, ये प्यारा सा व्यू आ गई, मैं कहा देखते हैं साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं और यहीं से आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ईसा हसबे मामूल अपने कार्टून्स देख रहा है। अच्छा अच्छा, जैसे मैं कैमरा ऑन करती से पता लग जाता है मैं वीडियो बनाने लगी। चेक करें अब इसकी 1 2 3 चेक कीजिएगा 1 2 3। आज सुबह क्या उठा ही अब तकरीबन घंटा डेढ़ पहले दूध पिया इसने, दूध पी के तो अब हम कपड़े शपड़े चेंज करेंगे ईसा के। मौसम आज बारिश आ गई, मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि बारिश हो रही है लाहौर में, लेकिन अब हबस हो गया, बारिश रुक गई है लेकिन बिल्कुल हबस हो गया और ऊपर से लाइट भी नहीं आई। मिठू 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 अच्छा अच्छा हाँ, मिट्टी है इसमें, बुरी बात। मौसम माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत है। मैं बच्चों को लेके आ गई हूँ ऊपर शिखर, तो फ्लैग मैंने उतार दिया, नीचे झंडियाँ वगैरह उतार दी क्योंकि बारिश की वजह से वो नीचे गिरने का ख़तरा था, डर था कि नीचे गिर के फिर बिखरेंगी, और वो सारी उतार के आए हैं हम लोग नीचे से और ऊपर आ गए हैं। ऊपर बहुत अच्छा मौसम है, मौसम का इंजॉय करते हैं। आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था व्लॉग बनाने का, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं व्लॉग शूट करूँ ना, क्योंकि कल 14 अगस्त, मैं कह रही हूँ कि ईशा के बाद कुछ ऐसी वीडियोस सामने आई देखने में जो नहीं आनी चाहिए थी, बस मैं तो इतना ही कहूँगी। बाकी सारे YouTube देखने वालों को सबको पता है कि YouTube पे क्या हो रहा है। पहली बात तो ये है कि हमारे मसाइल यहाँ कोई हल करने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे जो घरेलू मसले हैं वो घरेलू होते हैं। हाँ, कोई पब्लिकली मसला है हमें किसी बंदे से या किसी इंसान से, तो फिर वो हम आके यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, कोई पब्लिक का बंदा है और जो पब्लिक ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मसाइल हमारे घर के, अंदरूनी घर के, तो सबसे पहले उन्हें कौन सॉल्व करेगा? हमारी फैमिली, हमारे बहन भाई। हमें पहले उनसे कंसर्न करना चाहिए कि वो बैठे, और या हमारी माँ बाप हैं
या कोई भी भड़ा है हमारे घर में, वो बैठे, भाई है भड़ा, वो बैठे, वो सुने, वो उसका सलूशन निकाले, उसके बाद आना चाहिए मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इधर आके हर चीज़ ऐसे खुलम खुला बोल देना, मेरे पास दो तीन पॉइंट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ जी, वाह जी वाह जी वाह, कहता मेरी वीडियो बनाओ, वाह जी वाह, गिर ना जाना गिर ना जाना। मुझे थोड़ी सी आपसे बस बात करनी है, दो तीन पॉइंट है जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। क्या ये जो हम अपने पर्सनल इश्यूज यूट्यूब पे आके सर्च कर बात करते हैं लोगों के साथ, तो क्या ये हल कर देंगे लोग? नहीं, बिल्कुल हल नहीं करेंगे, ये बात का बतंगड़ बनाते हैं। ठीक है, बात का बतंगड़ बनता है, एक पेज से रिएक्शन पेज से दूसरे रिएक्शन पेज पे बात पहुंचती है। मैं बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ ना, मैं कोई इतना फाड़ मार रही हूँ यहाँ पे कि मेरे पास जी ना, मेरे पास व्यूज़ है ना, मेरे पास सब्सक्राइबर है, लेकिन फिर भी मैं एक बात रखना चाहूँगी कि जब बात अपने बहन भाइयों की और अपने घर की होना, और फिर बात ये प्लेटफॉर्म फिर बेहतर नहीं है, फिर प्लेटफॉर्म अपने घर का, अपने माँ बाप का बेहतर। पहले जो है वो अपने माँ बाप से डिस्कस करो, अपने बहन भाइयों से, अपने खामुद को बिठा के उसे पूछो। लेकिन कल से मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ घरेलू मामलात, बहुत सीरियस किस्म के मामलात शेयर कहाँ किए जा रहे हैं, मीडिया पे, जहाँ हर बंदा अपनी बात कर रहा है, हर बंदा अपनी व्यूज़ दे रहा है, हर बंदा कोई अच्छे वे में ले रहा है, कोई बुरे वे में ले रहा है। दिस इज़ नॉट गुड। मैं नहीं समझती, आप मुझे ज़रूर बताइएगा जो कोई इधर वीडियो देख रहा हो कि क्या पर्सनल मैटर यहाँ पे YouTube पे शेयर करना ये एक असल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने घरेलू जो संगीन किस्म के मसले हैं जिनकी वजह से, जिन्हें शेयर करने की वजह से कल को हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चों पे बात आ सकती है। ठीक है, कल दो फैमिली आपस में लड़ रही हैं, आपस में संगीन किस्म का मामला है उन दोनों फैमिलियों में, वो ले आती हैं अपना इशू YouTube पे। ठीक है, उनमें से एक फैमिली अपना YouTube पे इशू ले आती है और दूसरी फैमिली को इतना जलील करती है, अभी उसके ना बहन भाइयों को पता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो उनके घर के हैं, YouTube तो बात की बात है ना, ना उनके बहन भाई भी बाद में आ रहा, भाई आ रहा है बाद में, वो भी इधर बात करने आ रहा है यूट्यूब पे। भाई अपनी बहन को फ़ोन करो, उससे पूछो उससे मसला क्या है, अंदर की सच्चाई क्या है, दो तीन महीनों से ये हो रहा है। मैं भी कल स्क्रॉल एक ही इशू, मैं भी बंदी हूँ, मैं भी इन हर चीज़ को, हर एक बंदा सरवाइव कर रहा था किसी ना किसी वे में। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि खुदारा जो अपना फैमिली मैटर है ना, वो अपने घर तक रखें। हाँ, कोई आपके बच्चों से रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें हैं, बस इतना ही कह सकती हूँ। ना तो मेरा रिएक्शन चैनल है और ना ही मैं किसी पे बात करने यहाँ पे आई हूँ, लेकिन खुदा रा जहाँ मामला अपनी बच्चियों का, बच्चों का, उनके आगे आने वाली ज़िंदगी का, उनके रिश्तों का हो और अपने पे बीत रही हो और अपना ही कर रहा हो, मुझे नहीं पता, वल्ला आलम अल्लाह जानता है क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है। तो खुदा रा अपने मामला पहले अपने घर में सॉल्व आउट करें, फिर हमारे पास पुलिस है, ठीक है, फिर हमारे पास मीडिया की ताकत है कि अपने घर की जो एक बेडरूम की बात है वो आप आके यहाँ बैठ के शेयर कर रहे हो, नॉट फेयर, मुझे नहीं लगता। और यहाँ कोई भी आपकी मदद नहीं करने वाला, मुझे बताइएगा अगर किसी ने आपका मसला हल किया हो या करे आने वाले वक्त में, अगर हो तो किसी मीडिया पर्सन ने किया। ठीक है, बहन भाइयों की बात है ना, तो बहन भाई आपस में शेयर करें, बहन भाई एक दूसरे से बात करें, अगर आपके वालदैन जिंदा है तो उनसे बात करें। नॉट फेयर कि आप आके ना बैठ जाएं और 30-30 मिनट की व्लॉगिंग करें और आके, ठीक है आप सच पे होंगे, बहुत लोगों से ऐसे वाक़यात होते हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मैं ये, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप पहले अपने घर तक बात सॉल्व करें। यहाँ आपका कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपकी बात, हाँ यहाँ व्यूज़ के लिए अब हर बंदा उछालेगा इस बात को, ठीक है ना, व्यूज़ के लिए हर बंदा उछालेगा इस बात को, बात का पतंगड़ तो ज़रूर बनेगा, बदनामी तो ज़रूर होगी, लेकिन हल नहीं होगी, ये लिखवा लीजिएगा मेरे से। इसीलिए खुदारा अपनी घर की जो पर्सनल बातें हैं वो घर तक रखिएगा, उसी में भलाई है हमारी बच्चियों की, हमारी, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की भलाई है। हाँ ये है कि अगर किसी मीडिया पर्सन से किसी दूसरे मीडिया पर्सन को तकलीफ़ होती है तो वो इधर लेके आए बात,
वो बात करे, वो कम्युनिटी में बात करे, उसका हल भी कम्युनिटी दे, लेकिन जो पर्सनल बातें हैं वो नहीं। उनका पहला हल यही है कि आप अपनी चार दीवारी तक रखें, क्योंकि लोग कहते हैं ना, जो चारा काटने वाली दात्री कहते हैं, आई थिंक सो, उसकी एक तरफ मुंह होता है ना, जो आदमी, इंसान, लोग, मुआशरा, उनके दोनों तरफ मुंह है। वो एक से किसी के लिए बात करते हैं, एक से किसी के लिए बात करते हैं, जिसके पास बैठते हैं उसके हो जाते हैं बातें सुनने के लिए। मैं नहीं समझती, हर इंसान के अंदर बहुत बहुत राज होते हैं, तो मैं नहीं समझती कि आप यहाँ आके तो बिला वजह ही बोलते जाओ बोलते जाओ, ना उसका कोई सर है ना पैर है। और यहाँ किसको आप वो आके, हम कौन होते हैं या आवाम कौन होती है जिसे आप आके अपने पर्सनल मैटर पे सबूत दे रहे हो आके। प्लीज़ खुदारा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ मेरी सब बहनें, मेरा सिर्फ यही मतलब है, ना मैं रिएक्शन चैनल है मेरा कोई, ना मेरी आम सी व्लॉगिंग है। मैं अपने बच्चे की व्लॉगिंग करती हूँ, अपना कुछ शेयर करती हूँ, लेकिन मैंने कुछ देखी ऐसे मामलात जो नहीं होने चाहिए एज अ मीडिया पर्सन। बेशक मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे उस मसले को बताया है कि मेरी बहनें, इतनी इतनी समझदार लगने वाली बहनें, यहाँ आके जब अपने पर्सनल इशू पर बात करती हैं ना, तो वो मुझे नहीं लगता जेब देते हैं। जज़ाकअल्लाह, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए भी माजरत। बाकी अल्लाह ताला हमें सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। और मैं आप लोगों से बातें लगी हुई थी, और इधर अबरीश और ईसा की हो गई लड़ाई। ना छेड़ो, चलो बस 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 बस, कहाँ मारा दिखाओ, कहाँ मारा है, मारा है इतने मोटे मोटे आंसू, आप ही ने मारा है आपको, ओयो सदके जाइए, इतने मोटे मोटे आंसू मेरे बेबी के, बहुत प्यारा बेबी है, बहुत प्यारा बेबी। आप ये ईसा को नीचे लाने के बाद मैंने कमरे में बंद कर दिया। ऊपर जितना ही खेल के आया और जितने इसने कपड़े गंदे किए, मैं बातों में लग गया आप लोगों के साथ, और इसने फुल कपड़े गंदे किए। नीचे आके मैंने इसके कपड़े अब चेंज किए हैं, और इसे नीट एंड क्लीन करके बैठाया, अगर ये कपड़े जल्दी गंदे ना कर ले, क्योंकि कमीज सलवार में इसने काम पकड़ा है, यहाँ से ना ये मुँह में डाल लेता है। अब चेक करें, ये शर्ट नीचे रख रहा है और उस पर बैठ रहा है। अच्छे हो, पा रहे हो, खेल रहा है, मन का खेल ले, बस इसलिए पास खड़ी हूँ कि पीछे गिर ना जाए, पूरी ड्यूटी देनी पड़ती है ये सब। अपनी आपियों को आवाज दे, अपनी आपियों को आवाज़ दे रहा है, उसे पता है ना कि ट्यूशन जाती हैं और घर नहीं है, या बाहर जाती हैं, तो आवाज़ दे रहा है, आपी आपी। अब मैं बंद कर दिया सुन, बेटा वो तो सामने वाला के बाबा है। नो मोहम्मद ईसा, नेल्स खराब हो जाएंगे। आज 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 ध्यान से नीचे उतरना, ध्यान से, हस्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह, सदके जाइए सदके जाइए। ओए ओ रब्बा, ओए ओ रब्बा, हाय हाय हाय, चोट लग गई थी, चोट लग गई थी, नो 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 मेरा बेबी, नो बेबी, आई चोट लग गई उसको, चोट लग गई, चोट लग गई इसको, ना करो ना करो बेबी, मेरा पुत्र नहीं काटे, ए ए शरारती शरारती काका मेरा। और आ गई है हमारी शाम की चाय, और चाय पीते हैं साथ सैंडविच खाते हैं। चाय बनाई है ईमान फातिमा ने, और सैंडविच बनाए हैं अबरीश फातिमा ने, चिकन सैंडविच है, और देखने को तो बहुत मज़ेदार लग रहे हैं, ट्राई करते हैं और साथ इंजॉय करते हैं। ईसा सो रहा है, और बस ईसा को भी थोड़ी देर तक जगा देते हैं, क्योंकि अब अगर इसे ना जगाया तो फिर रात को ये बहुत लेट
सोता है और फिर आप ही उन्हें जाना होता है ट्यूशन सॉरी स्कूल सद के चाहिए स्कूल जाना होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, वो भी नहीं सोती हैं इसके साथ साथ। आप यहाँ साथ मोबाइल देखा जा रहा है और यहीं पे आज का व्लॉग हम करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़ फ़ीमानुल्लाह, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए, आबाद रखिए रहिए और ईज़ा को अपनी दुआओं में याद रखा करें।